आपको केदारनाथ की यात्रा करके कैसा लग रहा? कैसा लगा मत पूछो भाई। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शॉर्टकट बिल्कुल मत लेना, यहाँ से शॉर्टकट लिया था मैंने और मैं। हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, मैं आपका भाई आपका दोस्त सागर सज्जल फिर से आ गए एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग जो है काफी ज्यादा खास होने वाला है, तो गाइज ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। गाइज आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि फाइनली आज जो है हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए। जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं जो है गौरीकुंड पहुंच चुका था। गौरीकुंड में पहुंचकर हमने रूम लिया, वहां पे खाना वाना खाया, उसके बाद रेस्ट किया। अब जो है सुबह 4 बज रहे हैं और 4 बजे हम जो है यहाँ से गौरीकुंड में स्नान करके उसके बाद हम जो है यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। गाइज यहाँ का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अभी जो है मैं 44 डिग्री गर्मी से निकल कर आया हूँ, यहाँ पर शायद ही 5 या 6 ही डिग्री होगी। गाइज आप समझ सकते हो कितना शानदार मौसम है यहाँ पर, और हमने जो है यात्रा प्रारंभ कर दी है और हम देखते हैं कैसा क्या सीन है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि 15 किलोमीटर की चढ़ाई है, बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है 24 किलोमीटर की चढ़ाई है। यहाँ पर शायद बाढ़ आने के पहले जो है 15 किलोमीटर की चढ़ाई थी, बट आपको अभी जो है 24 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको केदारनाथ की यात्रा करके कैसा लग रहा? कैसा लगा मत पूछो भाई, ठीक है, बोले सब पार लगा देंगे जैसा भी है सब ठीक। थोड़ा जोर से बोला, आवाज़ नहीं निकल रही क्या? सब ठीक है। और यहाँ का पानी कैसा है भाई? पानी की तो पूछो मत कसम से भाई, फ्रिज का पानी फेल है ना। हाँ बहुत साफ पानी, देखो ये पानी है ना, और ठंडा, इतना ठंडा तो नहा नहीं सकते भाई। और फिर कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, देखो ये बाद में यार कितना खूबसूरत मौसम है, ना धूप है ना वो है, ना गर्मी है ज्यादा, कैसी बात है। गाइज मैं आप लोगों से एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ कि जब आप 24 किलोमीटर की चढ़ाई करेंगे केदारनाथ की यात्रा के लिए, तो गाइज आप यहाँ पर जो है पानी की बोतल बिल्कुल मत खरीदना। आप जो एक बस बोतल ले लेना और उसमें पानी भरते रहना, थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको पानी मिल जाएगा। पहाड़ों से निकलता हुआ पानी पाइप लगा हुआ है, बहुत ही शानदार पानी है, जड़ी बूटियों की जड़ से निकला हुआ पानी। तो बंधु यहाँ तक पहुँचने के बाद आपकी हालत कैसी है? ठीक है, पहले से बेटर है, अब गर्मी भी नहीं लग रही, इतनी दिक्कत भी नहीं जा रही, बड़ा अच्छा लग रहा है। आधा मतलब कुछ आधा तो हो गया, आधा और रह गया सफर, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जा रही। फिर स्टार्टिंग में लग रहा था जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब महादेव ने इतना पूजा कर दिया तो वहाँ भी पूजा था ही। तो गाइज आप घर बैठे बैठे सोचते हो कि क्या आप केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आ पाओगे, क्या आप उन तक पहुंच पाओगे। तो गाइज आप देखो बूढ़े बूढ़े बाबा अम्मा लोग कैसे केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आ रहे हैं और चढ़ाई कर रहे हैं और उतर रहे हैं आराम से, उनको कोई तकलीफ नहीं है। गाइस तो फिलहाल मैं जो है यहाँ से शॉर्टकट लेने वाला हूँ, ये ऊपर तक जाना है हमको सीधा बिल्कुल, और हम जो है एडवेंचर वाले लोग हैं, हमारा जो खून गरम है हमें कोई दिक्कत ना, हम खुद चढ़ जाएंगे। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शॉर्टकट बिल्कुल मत लेना, यहाँ से शॉर्टकट लिया था मैंने और मैं गिरने वाला था यहाँ से, बहुत ही बुरी हालत है मेरी। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज शॉर्टकट मत लेना, लॉन्ग कट ही आना, आराम से आना। गाइज आप लोगों से मैं एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ कि आप जो है जल्दबाजी में के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, आराम से चढ़ना, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए चढ़ना, ऊपर जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, तो गाइज सावधानी से। तो गाइज मंदिर यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर दूर होगा और यहाँ पर जो है काफी जोरों की बारिश स्टार्ट होगी, यहाँ रुकेंगे, उसके बाद जो है बारिश थोड़ी कम होगी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो गाइस फाइनली हम जो है केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है किसी शॉप से प्रसाद लेंगे और वहाँ पर जो अपना लगेज वगैरह रखेंगे, उसके बाद जो है दर्शन के लाइन में लगेंगे, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस जो भी चैनल में न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।